न्यू कराची के करीब तोलिया फैक्ट्री में आग लग गई। आग फैक्ट्री की बालाई मंजर पर लगी। 13 फायर पायलट टाइम आग बुझाने में मसरूफ। 13 तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया। कराची के इलाके गुलस्तान जौहर में इमकीम की महफिल मिलाद में धमाका। 6 अफराद जख्मी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा इजहार उल हसन भी महफिल में मौजूद थे। गवर्नर और वजीर आला से उनका नोटिस। आईजी से रिपोर्ट तलब। आज ये बड़ी मोहब्बत से आप कह रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। धमाका देसी साख्ता बम से किया गया। क्रैकर में 250 से 300 ग्राम बारूद था। धमाका होते ही भगदड़ मच गई। 24 न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। एसएसपी ईस्ट अस्फर मयसर कहते हैं एमकेएम ने महफिल मिलाद के लिए इजाजत नहीं ली। फैसल सब्जवारी ने अस्फर मयसर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा महफिल मिलाद की बाकायदा इजाजत ली गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ख्वाजा इजहार और फैसल रजा सब्जवारी को टेलीफोन। खैरियत मालूम की। मेयर कराची वसीम अख्तर, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं की तरफ से धमाके की मजम्मत। कराची में अजीजाबाद के इतराफ। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों का गश्त। एमकेएम ने आज अजीजाबाद में यादगार शहदा पर फातिहानी का ऐलान कर रखा है। सदर मुमलकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान आज कराची पहुंचेंगे। वजीर आजम सनअतकारों ताजरों से मुलाकातें करेंगे। कराची के तरक्याती मनसूबों के हवाले से अहम अजलास की सदारत करेंगे। कल मेरी 4 मीटिंग हुई है जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। कोई इंसाफ है यार, मैंने मरवान हुए लोगों को कल उन्होंने मैंने कहा जी तू इंफॉर्मेशन दे। सर एक रिक्वेस्ट है, मुल्क के हालात बेहतर तरह से है, थोड़ा जो ऑफ है थोड़े होते मेरे हिम्मत ही कोई शक नहीं। मैं राजी जानना मरण गए ना। देखो ना, लंदन पिकनिक मना रहे हैं 8 दिन लिए। उन्होंने कल क्या वापस आ शेख रशीद की सरगोशियां लीक। पहले वजीर इत्तला'आत बनने का दावा। मीडिया पर खबर चलने पर मुकर गए। फवाद चौधरी की भी वजारत छोड़ने की पेशकश। कहा कौन सा ओहदा किसके लिए बेहतर है, ये फैसला वजीर आजम करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान दो रोजा दौरे पर आज क्वेटा पहुंचेंगे। क्वेटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह और मुकदमा की समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस के एजाज में शाया देगी। मुल्तान साहिवाल चीचावतनी पत्तों की नारोवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे पर खानकार डोगना से लाहौर तक हद निगाह 40 मीटर रह गई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पिशावर मर्दान सवाबी नौशहरा में भी धुंध। हुंजा में गैस लीकेज से जाँ बहक होने वाली वजारत खारजा के अफसर सैयद फातिमी का जज्द खाकी आज अटक पहुंचाया जाएगा। मोहल्ला करबला के सादात कब्रिस्तान में तकफीम होगी। सैयद फातिमी और शुएब हसन 29 नवंबर को रिश्ते इज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। परवेज मुशर्रफ के बाद इमरान खान से हम सबसे ज्यादा तवक्को रख सकते हैं। इमरान खान को कोने में ना धकेले, वो जनूब एशिया में चीजें तब्दील कर सकते हैं। आत्मीय हथियारों से लैस दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत ही पेशरफ का वाहिद रास्ता है। बॉम्बे हमला केस से मुतालिक वजीर आजम के बयान पर भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबरा एएस दिल्लत का रद्द अमल। बरतानिया में खेमे हमलों की साजिश का खतरा। हुकाम का कहना है जेरे जमीन रेलवे स्टेशन पर क्लोरीन बमों के हमले का खदशा है। दाइश के दहशतगर्दों की गुफ्तगू रिकॉर्ड होने से साजिश का इल्म हुआ। इलाज के लिए गया पाकिस्तानी शहरी भारत में फंस गया। पाकिस्तानी शहरी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भारत गया था। ऑपरेशन के बाद पैसे खत्म हो गए। अस्पताल इंतजामिया ने रोक लिया।
और लाहौर में ब्राइडल फैशन भी दूसरे रोज भी हुस्न और जिद्दत के जलवे।